बात कर रहे हैं IFCI की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट के साथ हम देख सकते हैं। इस वक्त स्टॉक 72.95 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट को और 80 तक के टारगेट को। 80 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा IFCI के लिए, इस बात को हम डिस्कस कर चुके थे। क्यों ऐसा डिस्कस किया था हमने, क्योंकि देख सकते हैं इससे पहले 80 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करके गिरावट दिखाई थी। इसीलिए हमने कहा था कि 80 को ब्रेकआउट करके एटलीस्ट 80 के ऊपर सस्टेन होता है तो वैसे कंडीशन में और अपसाइड देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन देखा जा सकता है बड़ी बाइंग स्टॉक में देखने के लिए मिली ऑलमोस्ट 70 के लेवल से, 80-81 तक का जम दिखाया, वहाँ से अगेन गिरावट देखने के लिए मिल रही, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा, लगातार गिरावट। तब जहाँ पहले सपोर्ट लिया था 72 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, नीचे की ओर है जो लो है 68 का लेवल है, सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा IFCI के लिए। जब तक IFCI 68 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस इसमें बने हुए, अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो और बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तब थोड़ा सा इंतज़ार करना है, स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो 68 के आसपास मौका बन सकता है, और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर बड़ी गिरावट। लेकिन आप अगर स्टॉक में रिकवरी आती है, बाउंस बैक दिखाता है, जैसे हमें यहाँ देखने के लिए मिला था जब, तो इमीडिएट टारगेट 75, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट 80, जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है और अपसाइड के लिए लगातार तेज़ी के लिए। अगर 80 के लेवल को IFCI बाउंस बैक करके ब्रेकआउट कर गया और 1 से 2 दिन भी इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर एक क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर यहाँ से लगातार अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।